हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी होता है, क्या क्या जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं बैंकिंग रिलेटेड तो वहाँ पर कमेंट करते हैं कि इतने रुपये कट गए हैं, मेरे 236 रुपए कट गए हैं, 400 रुपए कट गए हैं। तो दोस्तों उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो लाइफ में अगर आप कभी भी किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक में खाता खुलवाने से पहले आपको क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो समझो। काफ़ी सारे लोग होते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो बस ऐसे ही, बस जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन है, बस ओपन कर लिया, और या फिर कहीं दुकान पर एक रुपए भी नहीं फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है तो अकाउंट ओपन कर लिया। लेकिन जब बाद में चार्ज पड़ता है उस अकाउंट पर तब पता चलता है कि मैंने ओपन ही नहीं किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो देखिए जो बैंक का जो टर्म कंडीशंस रहता है उसको आप रीड नहीं करते हैं, जो उनका एग्रीमेंट होता है वो रीड नहीं करते हैं तो आपका पैसा कटेगा ही कटेगा। क्योंकि जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा बैंक के बारे में कि बैंक कहाँ पर कौन कौन से इसके हिडन चार्जेस हैं और कहाँ कहाँ पर ये चार्ज करता है, तब आपका ये पैसा कटेगा। देखिए काफ़ी सारे लोगों को ये होता है कि जैसे अगर मैंने बैंक में खाता खुलवा लिया है तो काफ़ी सारे लोगों को ये होता है कि मैंने एटीएम कार्ड ले लिया है तो बस एटीएम कार्ड पर चार्ज नहीं लगेगा, एक ही बार एटीएम कार्ड पर चार्ज लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको एक साल में एक बार एटीएम चार्ज देना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर उस बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिए बैंक में जब जाएंगे तो वहाँ पर तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर मंथली बैलेंस कितना देना होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप दुकान में कहीं पर जाते हैं या सीएससी सेंटर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और या फिर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आपको इस कंडीशन में आपको ये पता नहीं चलता है कि आखिर इसमें एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना होता है। क्योंकि यहाँ पर जो दुकान वाले होते हैं उनको अकाउंट खोलने से मतलब होता है कि बस उनको टारगेट पूरा करना रहता है कि इतने लोगों का अकाउंट ओपन कर दूँ, तो वो लोग फ्री फ्री में आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, बोलेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट है आप ओपन करवा लीजिए। और आप क्या करते हो कि बिना रीड किए बिना कुछ किए आप लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट पर जब चार्ज पड़ता है तब आप बोलते हैं कि मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट था तो कैसे चार्ज लग गया। तो दोस्तों देखिए कोई भी बैंक हो, आप कहीं पर भी जब दुकान पर ही जा रहे हैं या फिर वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप वहाँ उनसे बेसिक नॉलेज मांगिए। अब जैसे अगर आप देख नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या 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 चार्जेस है या फिर क्या आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो जहां पर आप जा रहे हैं अपना खाता खुलवाने के लिए उनसे बोलिए कि सर इसमें कितना रुपीस चार्ज है, कितना क्या है, आप पूरा डेटा मुझे दीजिए, तभी आप खाता खुलवाइए। और दूसरी बात दोस्तों कि जैसे कि अगर आप लोग जो एटीएम कार्ड लेते हैं उसमें जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो साल में एक बार काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी बैंक हो, छोटा बैंक हो या फिर बड़ा बैंक हो, अगर आपको एटीएम कार्ड दिया गया है तो यहाँ पर चार्ज कटेगा। अब वो डिपेंड करता है कि साल में कितना रुपीज़ चार्ज करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जहाँ तक हो वहाँ तक रुपये कार्ड ही लें, वीज़ा कार्ड और डेबिट कार्ड मत लें, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो करना नहीं है, क्योंकि मिडिल फैमिली से हैं तो बाहर विदेश तो जाना नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तब आप ले सकते हैं वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड। यहाँ पर आपका रुपए कार्ड बेस्ट होता है, रुपए कार्ड में चार्ज भी कम होता है और रुपए कार्ड गवर्नमेंटेड कार्ड होता है जो कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले लॉन्च किया था, जबकि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ये प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पर आपको चार्ज भी ज़्यादा देना होता है और ये RBI रेगुलेटेड भी है ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रुपए कार्ड यूज़ करें, रुपए कार्ड में बहुत कम ही पैसा कटता है। तो सबसे पहले आप ये डिपेंड करें कि इस अकाउंट में कितना कम, जितना कम रहेगा एवरेज मंथली बैलेंस उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर जो रुपए कार्ड आप ले रहे हैं उसमें भी कम ही चार्ज लगे, ना कि ज़्यादा, वो भी आप डिपेंड कर ले। उसके बाद आप सर्विस चार्ज देखें कि इसमें सर्विस चार्ज कितना है। तो सर्विस चार्ज में
अगर कम से कम चार्ज लग रहा है तो फिर चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा चार्ज लग रहा है तब आप दूसरे बैंक में खाता खुलवाएं, उसमें मत खुलवाएं। तो ये जो चार्जेस होता है उनके बारे में सबसे पहले आप समझें कहीं पर जा रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मुझे नॉलेज नहीं है, यहाँ पर खाता खोल देते हैं दुकान वाले खोल देते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है तो कैसे मैं पता करूँगा कि ये, या फिर मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इसमें दोस्तों पढ़ने लिखने वाली कोई बात नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। और ये जहाँ पर आप अपना खाता खुलवाने के लिए जाएंगे वहाँ पर उनको उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप बोले कि ठीक है तो मैं आपके बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता, वो भले ही अगर छोटा ही दुकान क्यों ना हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऑनलाइन में क्या हो रहा है, ऑनलाइन में भी ऐसे हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को ऑफर किया जा रहा है जीरो बैलेंस अकाउंट, भैया जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लो। लेकिन सब लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, आप जीरो बैलेंस जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप कुछ भी पैसे मत रखें, बस आपका बैंक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो यहाँ पर 3 महीने तक अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखते हैं तब आपके अकाउंट पर चार्ज लगता है। तब आपको पता चलता है कि भैया ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं था, इसमें भी मेंटेन करना पड़ता है। तो यार खाता खुलवाने से पहले ही आप देख लो ना कि कितना रुपीज़ चार्ज कटता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये सारी बातें अगर आप समझ जाते हैं, ये सारी बातें अगर आप समझ के अकाउंट ओपन करते हैं तब आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि मेरे अकाउंट में इतना चार्ज कटेगा, क्योंकि आपको खुद ये बेसिक चीज़ें पता होती हैं। और यहाँ पर यूट्यूब पर कहीं कहीं लोग रॉन्ग भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उस पर मत जाइए, आप खुद जाके बेसिक नॉलेज लीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।